मसूरी के माल रोड से नीचे का इस तरह का नज़ारा है, ऐसे जैसे आसमान में सितारे जगमगा रहे हो। आपको देख सकते हैं आप, ये देखिए आप, ये सारा जितना भी है ये माल रोड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और करीब 3 किलोमीटर का माल रोड बताया इन्होंने, 3 किलोमीटर तक है ये। गाइस हम पहुंच चुके हैं कैंपटी फॉल। बुरी हालत हो गई बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे कैंपटी फॉल, कितना खतरनाक नज़ारा लग रहा है। और वो भाई इसमें देखिए नहा रहे हैं, मतलब YouTube चैनल RKZ Vlogs। हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RKZ Vlogs में। तो देखिए फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया व्लॉग। तो अभी हम लोग हैं फिलहाल मसूरी के रास्ते पर और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं मसूरी, वहाँ की सारी अच्छी जगहें, खूबसूरत वादियाँ और बहुत अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ आज के व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए फिलहाल तो अभी हम वहाँ पर जाकर कोई रूम वगैरह तलाश करेंगे और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं, क्या क्या हमने वहाँ पर किया सब कुछ दिखाने वाले हैं। मसूरी को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है पहाड़ों की रानी। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में, दिखाते हैं हम आपको। फाइनली गाइस देखिए मसूरी का हमने रास्ता तय करने के बाद अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर अपने होटल में और हमने रूम ऑलरेडी बुक कर दिया है। तो अभी देखिए काफ़ी सर्द हवाएं चल रही हैं यहाँ पर, बहुत ठंड हवा चल रही है। चारों तरफ का व्यू भी हम यहाँ से अभी आपको दिखाएंगे और लगभग अभी मगरिब का टाइम हो गया है 6 बजे का। तो अभी देखिए हमने जो होटल बुक किया है वो है ये होटल स्टार व्यू, तो यहीं पर हमने रूम लिया है। तो अभी सब कुछ अपना रूम वगैरह कहाँ पर है सब कुछ दिखाने वाले हैं, जो करीब क्या कहते हैं माल रोड से 200 मीटर पहले ही है, ज़्यादा दूरी नहीं है यहाँ से माल रोड की। अगर आप कभी मसूरी यहाँ आते हैं तो आप यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। गाइस हम पहुंच चुके हैं कैंपटी फॉल। बुरी हालत हो गई बिल्कुल, सच में बिल्कुल पता नहीं पहाड़ों में टेढ़ा मेढ़ा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल पेट की ऐसी हालत हो जाती है, समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं। अभी जिसका भी चेहरा देखो उसकी बुरी हालत है। नहीं मैं तो लोगों का शोक लगा भैया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी रागी भाई और जिया भाई की हालत थोड़ी खराब हो गई है। ये ब्लॉक की ना ये मतलब ऐसी हड्डी सी अटक गई गले में, खाली ना नीचे को निकली जा रही ना बाहर को निकाली जा रही। बीच में हमें जो है क्या कहते हैं वो बर्फ वाले पहाड़ भी दिखाई दे रहे थे, तो रागी भाई का बहुत मन था वहां जाने का। खैर छोड़िए ये तो हंसी मजाक, चलिए आपको दिखाते हैं हम यहाँ पर जो कैंपटी फॉल आए हैं, यहाँ पर झरना दिखाते हैं किस तरह का है और कितना बेहतरीन लगता है ऊपर से। नीचे जाना पड़ेगा उसके लिए हमें, तो चलिए नीचे लेकर चलते हैं, आपको बताते हैं कैसा माहौल है नीचे का। ये देखिए झरना बह रहा है, नीचे जाएंगे वो जो आप लास्ट में बिल्कुल नीचे देख रहे होगे बिल्कुल, तो वहाँ पर हमें जाना है, देखते हैं वहाँ का और शानदार व्यू है। तो देखिए कितनी ऊँचाई से आ रहा है, पुल पड़ेगा अभी आगे तो हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाइस ये जो उधर टैक्सी के उधर जो दिखाई दे रहा है यहाँ से झरना बह रहा है और आप नीचे तक जा रहा है, मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए वहाँ तक लास्ट तक जा रहा है नीचे। तो ये देखिए इस तरह से इसका व्यू है, आप देख सकते हैं। चलिए नीचे दिखाते हैं हम आपको कैसा व्यू है, आइए देखिए गाइस। रागी भाई को हमारे कुछ ज़्यादा चिल्ला लगी है, बेचारे चश्मा बदले अगड़े बढ़े। और ये जिया भाई ने लिया है एक नया चश्मा और इनका हैंडल कर लिया हमने। तो कैसा लग रहा है आप? बहुत बढ़िया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आप कैसा लग रहा है इनका चश्मा। और बाकी हम शॉर्टकट का रास्ता बताते हैं आपको, ये है कैंपटी फॉल को नीचे को जाने का रास्ता। तो चलिए बैक कैमरे से मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैं आपको दिखा दूँ फ्रंट कैमरे से, काफ़ी अच्छी मार्केट है यहाँ पर साइड में, काफ़ी मतलब बढ़िया मतलब जगह है। बाकी और दिखाते हैं नीचे से, नीचे पहुँचकर कैसा माहौल है आपका। मैं करीब आज से 10-11 साल पहले आया था यहाँ का और आज देखते हैं 11 साल के बाद क्या माहौल है। स्कूल का टूर आया था तो उसके साथ ही आया था मैं उस समय। रागी भाई
ये देखिए रोपवे से भी आप आ सकते हैं, नीचे से नहीं, नीचे से ऊपर रोपवे से आ सकते हैं, बाकी आप पैदल भी आ सकते हैं। ये देखिए अभी आपने देखा था रोपवे का, और ये नीचे है उसका वो जगह देख रहे होंगे, ये देखिए देखिए आप रोपवे से अभी नीचे जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी नीचे है ये। और जाने से पहले यहाँ पर पहुँच मार्ग झील है, मैं थोड़ा सा उसका व्यू दिखा देता हूँ किस तरह से है। रागी भाई हमारे आगे आगे चल रहे हैं पता करने। यहाँ का अगर आप नज़ारा देखना चाहते हैं तो आप जून जुलाई की गर्मियों में आ सकते हैं क्योंकि काफ़ी ठंडा आप देख सकते हैं पीछे। इस अभी तो कैंपिटी फॉल और नीचे है, और भी बेहतरीन नज़ारा मिलेगा आपको देखने को नीचे। देखिए रागी भाई तो हमारे जाने लगे उधर को पार होके, चलिए हम भी ट्राई करते हैं। देखिए हम इस रास्ते से आए, काफ़ी मेहनत मशक्कत से, सहजान भाई आपके सामने आ रहे हैं, आओ। देखिए इस तरह से आए हम, और यहाँ देखिए और बहुत ठंड लग रही है यहाँ तो, यहाँ तो देखिए बहुत ठंड लग रही है, इसका मतलब झरने का पानी आ रहा होगा यहाँ से, देखो काफ़ी ठंड लग रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह हैं और काफ़ी, और अभी नीचे का नज़ारा दिखाते हैं हम कैंपिटी फॉल का आपको। चलो भाई नीचे चलते हैं, आप वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, चलिए। चलिए गाइज हम पहुँच चुके हैं कैंपिटी फॉल, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार उम्दा नज़ारा है, आप देखिए। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे कैंपिटी फॉल, कितना खतरनाक नज़ारा लग रहा है। और वो भाई इसमें देखिए नहा रहे हैं, मतलब 6 जनवरी 2023 के दिन है आज, और वो नहा रहा है वो बंदा। गाइस मैं अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर छोटा मोटा कोई अवार्ड पड़ा हो तो हमारे इन भाई को दिला दीजिए, इतनी सर्दी में मतलब कैंपिंग फॉल में ये नहा रहे हैं, बहुत हिम्मत की बात है, बहुत हिम्मत की बात है। रागी भाई आपको कैसा लगा? मैं तो गर्मी में आऊंगा एक मरतबा जरूर यहाँ, मुझे नहाना है इसमें। बहुत ही अच्छा नजारा, देख लेते हूँ मैं पानी में हाथ डाल, ओ रे ठंडा है बिल्कुल, चिल्ड बिल्कुल बिल्कुल चिल्ड है। आप देख रहे हैं उस भाई को, भैया वो नहा रहा है, हमारे बस की बात तो है नहीं तीनों को। और ये हमारी पार्टी तीनों के हमारे जो है तीनों मेंबर हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी उम्दा, मतलब बहुत ही मज़ेदार शानदार क्या लग रहा है वाकई। आप देखिए रागी भाई आपको दिखा रहे हैं कितना शानदार नज़ारा, आप रागी भाई ऊपर से दिखाइए कितनी ऊंचाई से, ये देखिए जो है स्नो वो क्या स्नोफॉल नहीं सॉरी वाटरफॉल हो रहा है, देखिए काफ़ी मतलब खतरनाक, जितनी ऊंचाई है इससे ज़्यादा ऊंचाई कहीं ऊपर और भी ज़्यादा है, इससे कम से कम हम 40 मीटर दूरी पर हैं, लेकिन इतनी ठंड लग रही है हमें, इतनी मतलब पानी उड़ के आ रहा है हमारे ऊपर। और वो भाई की हिम्मत है भाई, बहुत हिम्मत है उस भाई को जो वो नहा रहा है ऐसी ठंड में नहा रहा है जनवरी के महीने। गाइस कैंपिटी फॉल हम नीचे बड़ी खुशी से गए थे, लेकिन चढ़ते टाइम बस हालत ख़राब हो गई हमारी, और तीन बंदे देखिए मुझसे आगे जा रहे हैं, वो मैं पीछे पीछे हूँ। चलिए दिखाते हैं आपको माल रोड का नज़ारा, नाइट व्यू कैसा रहता है वहाँ का। और देखिए हम 4 पर्सन से ये बंदा तो यहीं बैठ गया, चला भी नहीं जा रहा अभी अभी, तो देखिए उस बंदे में कितनी जान है, अरे भैया देखियो हालत ख़राब हो गई इस बेचारे की, और हमारी भी रात हो जाएगी हमें पहुँचते पहुँचते मसूरी। आओ जल्दी जिया भाई। और ये हमारा होटल है, आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई पे लिखा हुआ है होटल स्टार व्यू, और बाकी हम इसका रूम दिखाते हैं आपको क्या किस तरह का रूम है। आइए जिया भाई। तो भाई हमारा रूम है रूम नंबर 104 और चलिए एंट्री कर दिखाते हैं आपको अपना रूम, काफ़ी अच्छा रूम है। तो यहाँ से वही देखिए हमने की एंट्री, ये की हमने एंट्री, और ये दोनों लोग हमारे तक के सो चुके हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बेहतरीन मतलब शानदार रूम है। एलसीडी वगैरह दिखाओ, ये देखिए एलसीडी भी हमारी चल रही है, और आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ का वॉशरूम वगैरह, काफी
अच्छा, और क्लियरिटी में मतलब काफी अच्छा आवाज है। और बाकी मैं इसकी बालकनी दिखा देता हूँ मैं आपको। बालकनी से यहाँ का जो नजारा लग रहा है ना, कसम से इतना शानदार लग रहा है जो आप देखेंगे। देखिए ये देखिए, हम अपने रूम की, ये हमारा रूम और हम अपने रूम की बालकनी से यहाँ से देख रहे हैं। देखिए वही शानदार नज़ारा दिख रहा है। तो चलिए ठीक है, बाकी आपको लेकर चलते हैं हम माल रोड, वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं माल रोड और हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाने वाले हैं। ठंड थोड़ी ज़्यादा हो रही है क्योंकि इस टाइम शाम के 6:30 बज रहे हैं समथिंग। तो आपको दिखाते हैं हम किस तरह का यहाँ का माल रोड का नज़ारा है। मसूरी का काफ़ी फेमस है यहाँ का माल रोड, तो चलिए दिखाते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे जिया भाई दर्शकों से अपने? देखिए फर्स्ट टाइम है मसूरी में, तो अभी माल रोड पर देखते हैं कैसी शॉपिंग की दुकानें वगैरह हैं। और भूख भी लग रही है काफ़ी, अगर कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिलेगा तो खाना भी ज़रूर एक बार हम यहाँ का ट्राई करना चाहेंगे। बाकी होटल में रूम तो हमने ले ही लिया है, बस अब माल रोड और घूमना है, फिर नेक्स्ट व्लॉग हम आपको कल दिखाएंगे। बाकी मैं देखो घुमा के दिखा देता हूँ आपको थोड़ा। ये देखिए आप, ये सारा जितना भी है ये माल रोड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और करीब 3 किलोमीटर का माल रोड बताया इन्होंने, 3 किलोमीटर तक है ये। बाकी देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं, चलिए। देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। यहाँ देखिए कुछ बहुत ही बेहतरीन उम्दा नज़ारा है यहाँ का। आगे जो चौराया बड़ी काफ़ी अच्छा खूबसूरत लग रहा है, आप देखिए। हमें जो है एक जो है सेल्फी स्टिक लेनी है, तो चलिए हम देख लेते हैं कितने की मिलती है यहाँ पर, सामने हमारी दुकान है। फाइनली दोस्तों हमने जो है यहाँ से सेल्फी स्टिक खरीद ली है, जिया भाई ने भी एक खरीदी है, एक हमने कॉम्बो करके खरीदी है अपने लिए पर्सनल जो हम ब्लॉग बनाते हैं उसके लिए। तो 400 रुपये की एक स्टिक हमें पड़ी है, काफ़ी ठीक है। मतलब हमें बहुत दिक्कत हो रही थी पहली वाली स्टिक से वीडियो बनाने में। तो चलिए और नज़ारा हम आपको दिखाते हैं यहाँ का माल रोड का, बने रहिए हमारे साथ। देख सकते हैं आप गाइस, कुछ मसूरी के माल रोड से नीचे का इस तरह का नज़ारा, ऐसे जैसे आसमान में सितारे जगमगा रहे हों। देख सकते हैं आप लाइटिंग वगैरह कुछ इस तरह की है। तो गाइस देख रहे हैं आप माल रोड पर घूमते घूमते हम बीच में आ चुके हैं और यहाँ पर जो है गेम कैसल है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। थोड़ा सही से दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए गेम वगैरह यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर गेम भी खेल सकते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ का मतलब नज़ारा है। ये देखिए एक बच्चा यहाँ पर गेम खेल रहा है आँखों पर वो लगाकर, क्या कहते हैं। और आप पीछे देख रहे हैं मेरे, काफ़ी अच्छा यहाँ का देखिए नज़ारा है, काफ़ी बढ़िया व्यू लग रहा है। चलिए तो गाइस माल रोड घूमने के बाद अब हमारे ये दो बंदे आए हैं, आ गए हैं दोनों भी, सहजान भाई और राजीव भाई, ये रूम पर सो रहे थे, भूख लगी तो आए हैं ये लोग। हाँ और हमें भी बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत बर्दाश्त से बाहर हो रही है बात। अब ठीक हो गया सोने के बाद? सो गए, ये 1 घंटा तो इनका नॉर्मल हो गई है अब। खैर कोई बात नहीं। क्या रागी भाई आप इतनी दूर से चल कर आए, कैसा लगा आपको माल रोड? बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं है। थकान महसूस नहीं हुई बिल्कुल, तो बहुत पसंद है, बहुत थक चुके हैं अब हमें जो है भूख लग रही है, हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। चलने में बहुत मजा आता। हाँ खाना खाने के लिए अब हम जा रहे हैं हम लोग। तो अगर हमारी आप हमारा ये जो मसूरी का ब्लॉग है तो वो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा ये आपको मसूरी का ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।